हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर है, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 8, क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन एंड इट टाइप्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, एंड इसी के ऊपर आज हम लोग का पहला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 1 हम लोग लेकर आ गए आपके लिए। एक नया चैप्टर, फ्रेश चैप्टर है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है, आपने एक चैप्टर बहुत पहले पढ़ा होगा 7th स्टैंडर्ड में, अभी तो आप 8th स्टैंडर्ड में हो। तो 7th में एक चैप्टर था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है ना, ट्रायंगल को किस प्रकार से अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। आपको याद होगा आपने 7th स्टैंडर्ड में किया था, बेसिक लेवल पे चैप्टर था कि ट्रायंगल को किस अलग अलग तरीके से, अगर दो साइड दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे, तीन साइड दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, दो साइड प्लस एक एंगल, एक साइड प्लस दो एंगल दिया रहेगा, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपको दिए थे, बहुत सारे मेथड्स दिए थे जिसके हेल्प से आप लोग जो ट्रायंगल है उसको कंस्ट्रक्ट करते थे। तो उसी प्रकार से ये जो चैप्टर है, इसमें हम लोग को ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं करना है बल्कि कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटर को। क्या होता है क्वाड्रिलेटर, सबसे पहली बात आपको बता दें, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल इज नथिंग बट आपने देखा होगा इस तरीके का शेप कुछ, ठीक है ना, लगभग स्क्वायर जैसा शेप होता है या फिर रेक्टेंगल जैसा शेप होता है, और उसमें कोई डायगोनल्स होते हैं, ठीक है ना, या तो एक डायगोनल्स रहेगा या तो दो डायगोनल्स रहेंगे। तो ऐसा टाइप के फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको हम लोग को बनाना है। तो बेसिकली जो आपका सबसे पहला प्रैक्टिस सेट है उसके पहले आपको टोटल 4 टाइप के ऐसे मेथड्स पढ़ने हैं जिसके हेल्प से हम लोग क्वाड्रिलेटरल जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग 1 by 1 देखेंगे, लेकिन इसके पहले आपको एक क्विक रिमाइंडर दिला दे कि आप ट्रायंगल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते थे। तो आपको याद होगा कि सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल को बनाना होता तो हम क्या करते थे, बेस बनाते थे। अगर हमें तीनों साइड दी हुई तो हम क्या करते थे, बेस बनाते थे। लेट्स सपोज 5 सेंटीमीटर का दिया होगा तो बेस बना देंगे, जो भी नाम है समझ लो बीसी नाम है। फिर ए अगर बनाना होता था तो एबी का जो भी लेंथ रहेगा उधर से कंपास लेके एक आर्क कट मारते थे, एंड इसका अगर एसी का कुछ लेंथ दिया होता था तो हमारे कंपास यानी राउंडर में लेके एक आर्क को कट मारते थे, जहां पे भी ये पॉइंट मिलता था उसको यहां से यहां तक ज्वाइन करते, तो हमारा जो ट्रायंगल जो है बनता था। वैसे ही दूसरे टाइप के जो ट्रायंगल्स बना लेते थे उसमें एंगल दिया होता था। तो ऐसे बहुत सारे तरीके आपको याद होंगे दोस्तों। तो ये सब चीज आपके स्टार्ट में ही दिया हुआ है, आप चैप्टर में जो पहला पेज देखोगे तो आपके टॉप पे दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल विद द गिवन मेजर्स। तो आप ये कर सकते हो, आप प्रैक्टिस भले ही कर लेना, क्योंकि आज हम लोग डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल पढ़ाने वाले, क्योंकि ट्रायंगल्स हमने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। अगर आपको लगता है फिर भी कि ट्रायंगल आप भूल चुके हैं, तो हम 7th स्टैंडर्ड के ऊपर जो वीडियोस बना चुके हैं, ठीक है ना, ये तो 8th स्टैंडर्ड के ऊपर, तो आपको पता ही है कि मैं 7th के ऊपर भी वीडियोस बनाता हूं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने पिछले साल यानी 7th स्टैंडर्ड में जब आप लोग होंगे तो हमने ठीक से ये ट्रायंगल कैसे बनाते वो नहीं देखा है, तो आज के लिए हमारा यानी कि अभी के टाइम का 7th स्टैंडर्ड का जो वीडियो से आप देखोगे ना जाके, उसमें सर्च करना है कि कुछ तीसरा या चौथा चैप्टर होगा, मुझे याद नहीं है क्लियरली, लेकिन आप हमारे 7th स्टैंडर्ड के मैथ्स जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है उसमें आप चेक करोगे तो आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, जिसमें ट्रायंगल्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है वो मेथड्स मैंने क्लियरली बताया हुआ है, ठीक है, तो वो चीज आप ध्यान से देख लेना। तो इसकी बात कर लेंगे सबसे पहले, अगर मैं बात बता दूं दोस्तों कि यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको ट्रायंगल बनाना तो आपने सीख लिया, करेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के ऊपर डायरेक्ट जाएंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 2 मेथड पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से, ये टोटल 4 मेथड है, तो टोटल 2 आज 2 मेथड में बताऊंगा ये लेक्चर में, और 2 मेथड अगले लेक्चर में बताऊंगा, फिर हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड लेने वालों, दैट इज मेथड नंबर 1, ठीक है। क्या बोला इसमें मेथड नंबर 1 में, सबसे पहले आप देखोगे टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब आपको एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है उसका, इफ द लेंथ ऑफ 4 साइड इज गिवन एंड डायगोनल इज गिवन, मतलब आपको एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल को क्या करना है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लोग हेडिंग जो है वो आप पेज नंबर 41 पे आप देखोगे तो टॉप पे लिखा हुआ दिख जाएगा, दैट इज डार्क लाइन में लिखा हुआ है 1 करके, टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्या करना है आपको, क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें आपको क्या दिया है, कंडीशन क्या बोला है कि इफ द लेंथ ऑफ 4 साइड, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 4 ही साइड होते हैं, तो चारों के चारों साइड का लेंथ जो है वो दिया हुआ है, इफ लेंथ ऑफ, यहां पे मैं लिख देता हूं ये चीज, इफ द लेंथ ऑफ 4 साइड, मतलब चारों के चारों साइड्स का जो लेंथ है वो दिया हुआ रहेगा, इफ द लेंथ ऑफ 4 साइड इज गिवन एंड ए डायगोनल इज गिवन, ठीक है ना, एंड ए डायगोनल जो आपका डायगोनल होते हैं उसका एक लेंथ आपको दिया हुआ है। अब इसको कंस्ट्रक्ट करना है, तो जैसे कि आपको याद होगा मेरा मेथड जो है पढ़ाने का, उसमें मैंने आपको एक चीज बताया था कि कभी भी जब कंस्ट्रक्शन आता है तो सबसे पहले एक रफ डायग्राम को ड्रॉ कर लिया करो। तो रफ डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करेंगे, किस तरह से करेंगे, यहां पे आप देखो, तो लेट सपोज क्वाड्रिलेटरल होता है, जैसे मैंने आपको बताया था क्वाड्रिलेटरल लगभग यहां पे स्क्वायर जैसा ही बनाना होता है, तो क्वाड्रिलेटरल बना लिया और इसमें बोला है कि एक ही डायगोनल है, ठीक है ना, क्लियरली बोल के रखा है एक ही डायगोनल है। पहले क्वेश्चन तो मैं लिख दूं, ये तो हमने आपको केस बता दिया ना दोस्तों, ये मैंने आपको केस बताया, ठीक है ना, ये आपका हेडिंग है, लेकिन एग्जाम्पल क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं। एग्जाम्पल इस तरह से, ये हमारा सबसे पहला हेडिंग है और एग्जाम्पल जो है पहला, ये केस का पहला एग्जाम्पल जो है कि कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआर, आपको बोला है क्या कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बोला है कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल PQRS, PQRS आपको निकालने के लिए बोल दिया है यहाँ पे, जिसमें कंडीशन ये बोला है कि जो लेंथ PQ है, ठीक है ना, लेंथ PQ जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे लेंथ दिए हुए चारों साइड के दिए हुए रहेंगे, क्योंकि हम लोग को चारों साइड का दिया होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन, और एक डायगोनल दिया होना चाहिए। तो PQ 5.6 सेंटीमीटर है, QR जो है 5 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ
QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये एक चीज दिया हुआ है। फिर आगे बोला है लेंथ ऑफ PS, ठीक है ना, लेंथ ऑफ PS जो है वो आपका जो लेंथ रहेगा PS का वो दिया हुआ है 4.3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये इतना दिया हुआ है। साथ ही में और एक यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है लेंथ ऑफ RS, ठीक है, लेंथ ऑफ RS इज गिवन दैट इज 7 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे QS, लास्ट बट नॉट द लिस्ट लेंथ ऑफ QS जो है वो दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है, जो कि 6.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, करेक्ट है, ये इतना दिया हुआ है, क्लियर है। तो हम लोग का कंडीशन क्या है, मेन हेडिंग क्या है, क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, हम लोग को ऐसा क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए जिसका लेंथ चारों साइड का दिया हो। तो आप देखोगे चारों साइड का, यानी एक दो तीन चार, चारों साइड का लेंथ दे दिया और एक डायगोनल का लेंथ दिया होगा। तो सबसे पहले मैं रफ डायग्राम बना लेता हूं, क्या है क्वाड्रिलेटरल का नाम, क्या है PQRS। तो हम क्या करेंगे, PQRS का नाम दे देंगे। तो लेट सपोज मैं नाम दे दूं PQR&S, नाम दे दिया मैंने PQRS, करेक्ट है, ओके। अब इसके देने के बाद आप ध्यान से जब देखोगे, नाम देने के बाद एक डायगोनल इसने बोला है, ठीक है, तो डायगोनल क्या हो सकता है, यहाँ पे आप देखोगे तो लास्ट में QS दिया हुआ है, तो वही डायगोनल होगा। लेट सपोज हम लोग ऐसे ही मानते हैं हमेशा कि जो लास्ट वाला चीज है वो QS दिख रहा है, यानी कि Q और S जब ज्वाइन करूंगा ऑब्वियसली डायगोनल बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यही मेरा डायगोनल है। तो Q और S को मैं ज्वाइन कर लूंगा क्योंकि QS का हमें मेजरमेंट दिया हुआ है, आप देख सकते QS इज इक्वल टू 6.2। तो हमें एक चीज पता चल गया कि ये QS मेरा डायगोनल रहेगा अकॉर्डिंग टू रफ, ये हम लोग रफ बना रहे ना अभी, तो ये मुझे पता चल गया कि PQ रहेगा, QR रहेगा, RS रहेगा और SP रहेगा जो भी है, ठीक है ना, PS है और एक डायगोनल, तो ये हमें पता चल गया। अब मैं क्या करता हूं, सीधा सीधा जो भी मेजरमेंट रहेगा उसके हिसाब से एक्चुअल डायग्राम बनाता हूं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वी नो दैट कि हम लोग सबसे पहले याद होगा आपको कोई भी चीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसका बेस बनाते हैं, ठीक है, तो बेस क्या है, इसका PQ है और PQ का लेंथ हमें दिया हुआ है 5.6। तो हम क्या करेंगे, PQ का बेस बनाएंगे। तो लेट्स सपोज मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे PQ का बेस, तो ये P रहेगा, ये मेरा Q रहेगा और जो कि कितना बोला है 5.6 सेंटीमीटर का, तो मैं ड्रॉ कर लूंगा 5.6 सेंटीमीटर का PQ, ठीक है, PQ ड्रॉ कर लिया। अब मुझे ये ड्रॉ करना है, आप देखोगे ये जो पार्ट है PS, ठीक है ना, तो PS का मुझे मेजरमेंट दिया होगा, यस दिया हुआ है, जो कि ये 4.3 सेंटीमीटर, तो मेरा जो लंबाई है 4.3 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे क्या मालूम है कि ये जो PS बनने वाला है वो एकदम स्ट्रेट बनेगा, क्योंकि एंगल तो बोला नहीं है ना कि 90 डिग्री है या फिर कुछ भी एंगल है, तो एंगल मुझे पता नहीं है, तो ये जो PS का जो लाइन बनेगा वो सीधा बनेगा कि इस तरफ बनेगा कि इस तरफ बनेगा मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, कंपास लूंगा मेरा, यानी कि राउंडर जब लूंगा तो उसमें ये जो डिस्टेंस है, यानी PS का जो डिस्टेंस है 4.3 का है ना, ये 4.3 का है, तो 4.3 का जो डिस्टेंस लूंगा P पे रखूंगा और S के नाम का एक आर्क मार लूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है वो कितना लंबा है, करेक्ट है, तो एक आर्क मार लूंगा जो कि रहेगा 4.3 सेंटीमीटर के मेजरमेंट का, क्लियर है। अब मुझे एक चीज पता है कि ये जो QS है, यानी जो डायगोनल आपको दिख रहा है, ये QS वाला डायगोनल है, इसका जो मेजरमेंट है वो 6.2 दिया हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूं, ये Q पे पॉइंट रख के 6.2 मेजरमेंट लेके ये आर्क को ऐसे आर्क कंप्लीट मार सकता हूं, करेक्ट है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा, ये वाले पॉइंट को यहां पे मैं नाम दे दूंगा, कौन सा पॉइंट है ये, एस का पॉइंट मिल गया, तो एस मिल गया, यानी कि जो पी से लेके एस तक का जो डिस्टेंस था वो मैंने लिया था कितना 4.3 सेंटीमीटर का, और क्यू से लेके एस जो मैंने डायगोनल था उसका मेजरमेंट मैंने लिया था 6.2 का, तो मेरे को एक क्या मिल गया, एक तरीके का ट्रायंगल बन गया, ठीक है। लेकिन हम लोग को ट्रायंगल बनाना है क्या, नहीं, और भी दो चीज बचे हुए, क्या बचे, दो चीज आप देखोगे ध्यान से, तो ये मुझे एस आर जो है और आर क्यू जो है बचे हुए, तो दिया है क्या देखो हमारे पास, तो ये एस आर मुझे बनाना है, मतलब यहां से कुछ बनने वाला है, टेढ़ा बनेगा सीधा बनेगा मुझे पता नहीं है, तो आर एस का जो डिस्टेंस दिया होगा कहां है, आर एस आप चेक कर लो, ठीक है, पीक्यू है, ये क्यू आर है, पी एस है, ये आर एस है, तो आर एस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर है। तो अगेन आप क्या करोगे, एस पॉइंट पे रखोगे, राउंडर लोगे और 7 सेंटीमीटर का एक आर्क जो है मार दोगे लंबा सा, क्योंकि मुझे पता नहीं कहां आने वाला, तो मैंने लंबा से क्या मार दिया, एक आर्क मार दिया, कितने का, 7 सेंटीमीटर का आर एस, मतलब यहां पे जो पॉइंट आएगा आर वो एस कितना है 7 सेंटीमीटर के लेंथ पे, ये मैंने मार दिया। दूसरा क्या करूंगा, ये क्यू पॉइंट से, क्यू पॉइंट से जो आर पॉइंट आएगा वो कितना है देखो, तो यहाँ पे क्यू और आर कितना दिया हुआ है आप चेक कर लो, क्यू आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहां से क्यू पे रखूंगा और 5 सेंटीमीटर लूंगा और एक कट मारूंगा, लेट सपोज मेरे को यहाँ पे एक तरीके का मैंने आर्क कट किया, तो ये जो पॉइंट मिल जाएगा, ये मुझे कौन सा पॉइंट मिल गया, मिल गया आर पॉइंट मिल गया। बस आपको यही करना है कि ये एस और आर को आपस में कनेक्ट कर देना है और ये जो क्यू और आर है इसको आपस में कनेक्ट करना है, बन गया आपका डायगोनल और साथ ही में आपका पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, बहुत सिंपल है दोस्तों। जैसा कि आप लोग क्लियरली यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है दोस्तों कि हमने किस प्रकार से यहाँ पे दो स्टेप में, पहले हमने एक तरीके का ट्रायंगल फॉर्मेशन किया अंदर का विद द हेल्प ऑफ डायगोनल, एंड वही डायगोनल के हेल्प से हमने क्या किया, यहाँ पे एक और पॉइंट लेके यहाँ पे मार दिया, आपका ये जो पूरा कंप्लीट फिगर है बन गया। बस आपको लास्ट में बस क्या करना है, जो भी मेजरमेंट दिए हुए उसको लिख दो, ये 5.6 है, पीएस जो है आपका 4.3 है, एसआर जो है यानी कि आरएस कितना दिया हुआ है, आरएस 7 सेंटीमीटर है, लिख दो इसको,
लास्ट वाला QR कितना है 5 सेंटीमीटर, इसको यहाँ पे लिख दो। डायगोनल जो है आपका वो दिया हुआ था 6.2, ऐसा आपको लिख देना एंड बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल। दिस इज द क्वाड्रिलेटरल विच इज नोन एज PQRS अलोंग विद द डायगोनल QS। क्लियर है फ्रेंड्स? तो उम्मीद करता हूं कि हाउ टू ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल, पहला जो मेथड था जिसमें चारों के चारों साइड का लेंथ और एक डायगोनल का लेंथ दिया था, तो इस प्रकार से आप लोग को कंस्ट्रक्ट करना। उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? अब चलते हैं हमारे सेकंड मेथड की तरफ। ठीक है, तो इसको मैं फटाफट से रफ कर लेता हूं, फिर सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड आपको बता दूं क्या करना है यहाँ पे। सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल इफ 3 साइड एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन। मतलब यहाँ पे आपको पहले केस में क्या दिए थे, 4 साइड दिए थे और एक डायगोनल दिया था। अब सेकंड केस में आपको 3 साइड दिए हुए हैं, ठीक है ना, 3 साइड दिए हुए और 2 डायगोनल का यहाँ पे मेजरमेंट दे दिया। मतलब डायगोनल आपके अब 2-2 दिखेंगे। तो कैसे दिखेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको रफ कर लेता हूं ताकि आप लोगों को जो सेकंड मेथड है उसको भी फटाफट से एक एग्जांपल उसका बता सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फटाफट ध्यान से देखिएगा। ओके, तो हम लोग का मेथड नंबर 2 हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, मेथड नंबर 2 है हमारा जिसमें हम लोग को क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, लेकिन कैसा ड्रॉ करना है, इसमें 3 साइड दिए हुए यानी कि 3 लेंथ, इफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स, ठीक है ना, 3 साइड्स गिवेन है एंड 2 डायगोनल्स, 3 साइड और 2 डायगोनल्स यहां पे दिए हुए हैं, तो इस प्रकार का हम लोग को क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है। क्लियर है? अब एग्जांपल क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है, दैट इज एग्जांपल। ठीक है, इस केस में एग्जांपल क्या है, सबसे पहले क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल WXYZ। ठीक है, नाम क्या है ट्राइंगल का, WXYZ, आई मीन टू से क्वाड्रिलेटरल का। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल इस प्रकार होता है, WXYZ। क्लियर है, ये हम लोग को ड्रॉ करना है जिसमें आपको 3 लेंथ दिए रहेंगे साइड के। ठीक है ना, 3 साइड दिए रहेंगे तो 3 लेंथ दिए रहेंगे। सबसे पहले तो दिया हुआ है YZ जो है 4 सेंटीमीटर है, यानी लेंथ ऑफ YZ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फिर आगे आपको देख रहा है यहाँ पे लेंथ ऑफ ZX दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ZX जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ ऑफ ZX इज 6 सेंटीमीटर। फिर लेंथ ऑफ WX, ठीक है, लेंथ ऑफ WX इज गिवन हियर एज 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ ZW। अब ये तो 3 आपके क्या हो गए, साइड हो गए ना, 1, 2 और 3, एंड जो बाकी के 2 बचे हुए साइड्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, डायगोनल के मेजरमेंट रहेंगे। तो जो अभी मैं लिखने जा रहा हूं यानी कि लेंथ ऑफ ZW, ठीक है ना, लेंथ ऑफ ZW जो है आपका ये क्या रहेगा, ये आपका डायगोनल का मेजरमेंट रहेगा, जिसका हो सकता है डायगोनल का मेजरमेंट, लेकिन हम लोग जब भी ऐसा जरूरी नहीं है। एक चीज एक और मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोगों को बाद में कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि मैं जो बोला यहाँ पे वो हर बार सही नहीं होगा। जैसे कि स्टार्टिंग में जो 3 साइड दिया था, जरूरी नहीं है कि वो तीनों साइड का ही हो, सकता है उसमें से कोई डायगोनल का भी हो। तो जब हम लोग रफ डायग्राम बनाएंगे ना, तो उसके हिसाब से बताएंगे कि कौन सा किसका मेजरमेंट दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ ZW जो है यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, पहले जो दिया हुआ है चुपचाप लिख दो यहाँ पे गिवन में, एंड लास्ट में एक और मेजरमेंट है लेंथ ऑफ YW। ठीक है ना, लेंथ ऑफ YW जो दिया हुआ है वो लास्ट में दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर, करेक्ट है, यस 6.5 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको हम लोग को मेजरमेंट करके डायग्राम को बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान से देखो, सबसे पहली बात ये तो आपको क्वेश्चन मैंने लिख के दिखा दिया। ओके, तो डायग्राम क्या बोलता है, सबसे पहले आप ध्यान से देखो मैं क्या बना रहा हूं, एक रफ फिगर बना रहा हूं। लेट सपोज यहां पे मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लू, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपको पता है 2 डायगोनल दिए, इसका मतलब मेरा जो डायगोनल रहेगा वो इस प्रकार रहेगा, एक ऐसा और एक ऐसा, मतलब दोनों डायगोनल है इस तो प्रकार रहेगा। ठीक है ना, अब यहां पे मैं क्या करता हूं, क्लियरली बनाता हूं मेरा डायग्राम को। ठीक है, तो मैं नाम दे देता हूं, लेट सपोज मैं नाम दे दिया WX। ठीक है ना, थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं WXYMZ। नाम आप किस प्रकार से भी दे सकते हो, जो भी प्रकार से दोगे आपका उस हिसाब से डायग्राम बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता नाम देने से। आप यहां से W दे सकते थे, यहां से W स्टार्ट कर सकते थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है उसके वजह से, ये चीज याद रखना। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैंने लिख तो दिया, तो ये W हो गया, X हो गया, Y हो गया, Z हो गया, यानी कि ZW मेरा क्या बन गया, ZW आपको दिख रहा है ये वाला, तो ये बन गया मेरा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी दिया हुआ लिख दो। फिर ये YZ आपको दिख रहा है, YZ कहीं पे, यस YZ जो कि है 4 सेंटीमीटर। फिर टॉप में है YX किधर दिख रहा है आपको, YX ये वाला चीज आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, देखो क्योंकि 3 ही साइड रहेगा ना, तो एक साइड यहाँ पे नहीं दिया रहेगा क्योंकि क्लियरली बोल के रखा है लेंथ जो है वो 3 ही साइड का दिया हुआ है। तो इसका दिया, इसका दिया, अब इसका दिया रहेगा, देखो W और X का, WX दिख रहा है कहीं पे आपको, WX दे देखो, WX दिया हुआ ये है 4.5। तो यहाँ पे 3 साइड का हमें मेजरमेंट मिल गया, कौन कौन सा मिल गया देखो, एक 4 मिल गया, एक 4.5 मिल गया, एक 5 मिल गया, तो 3 साइड का मेजरमेंट मिल गया। अब ये जो बचे हुए दोनों डायगोनल से उसका मेजरमेंट रहेगा, तो YW दिख रहा है, YW किधर है, लास्ट में YW ये हो गया 6.5 का, एंड ए साइड वाला 6.5 है और ये साइड वाला कितना है, मतलब X और Z है, तो X और Z दिख रहा है, ZX 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर है। अब इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हमारा ओरिजिनल डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखो,
आपको पता है सबसे पहले हम लोग बेस बनाते हैं, तो बेस क्या है, ZW नाम है उसका। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक बेस बना लूंगा, ठीक है। लेट सपोज मैंने बना लिया, ये Z है मेरा, ये है मेरा W, तो ZW हो गया जिसका नाम है 5 सेंटीमीटर, तो लिख दूंगा 5 सेंटीमीटर, जो भी आप लिख दो, करेक्ट है। अब इसके बाद आप एक नोटिस करोगे कि यहाँ पे 4 है, ठीक है ना, यहाँ पे मतलब जो भी बनेगा यहाँ पे हाइट के हिसाब से वो 4 है, क्लियर है। और ये जो है वो 6 है, तो इसका मतलब आप बना सकते हो, ठीक है ना, ये 6 है, लेकिन ये 6 यहां से ही बनेगा तो काम का नहीं है, मतलब ये W वाला जो पार्ट है, जैसे हमने प्रीवियस केस में एक ट्रायंगल बनाया था सबसे पहले, तो ये ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको Y, Z और W, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, तो एक 4 है और ये वाला 6.5 है, तो मैं बना सकता हूं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक कट मारना है, यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा आप कट मार सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बड़ा सा कट मारो 4 सेंटीमीटर का यहाँ से, एंड उसके बाद W से लेना है, W से कितना लेना है, W से ये वाला लोगे, ये वाला लेंथ कितना है 6.5, तो यहां से 6.5 लेके यहाँ पे कट मार दो, तो एक पॉइंट मिल जाएगा जो कि आपका रहेगा वाई पॉइंट, क्लियर है। अब इसको ज्वाइन कर लो, तो यहां से इसको ज्वाइन कर लेते हैं और यहां से हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं डब्ल्यू को, क्लियर है, ये ज्वाइन हो गया, ये कितना था आपका 4 सेंटीमीटर था, ये था आपका 6.5 का, साइड में लिख दो कहीं पे, ठीक है, क्लियर है, ये हो गया। अब वाई से आप देखोगे तो वाई से एक्स का यहाँ पे बनने लायक कोई भी डिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप देखोगे ध्यान से W से एक चीज दिया हुआ है, W से 4.5x है मेरा, मतलब W से 4.5x बना सकता हूं, तो मैं W से 4.5 का एक लाइन यहाँ पे, यानी कि राउंडर लेके एक आर्क आपने मार लिया, 4.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट लिया राउंडर में, एंड यहाँ पे एक आर्क मार लिया जो कि आ गया, करेक्ट है। अब एक चीज दिया हुआ है Z से लेके ये जो x डिस्टेंस है जो भी आएगा यहाँ पे वो 6 है, तो यहां से आप ले लो 6 सेंटीमीटर, और यहां से एक तरीके का जो आपने ये आर्क जो मारा हुआ था यहाँ पे वो 6 सेंटीमीटर के हिसाब से आप इसको यहाँ पे कट मार दो, यहां से Z से 6 सेंटीमीटर का, तो जो पॉइंट आपको मिलेगा वही तो पॉइंट रहेगा आपका x, और आपको इस तरह से इसको ज्वाइन कर लेना है, और इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेना है, बन गया आपका डायग्राम क्वाड्रिलेटरल का, जो कि आपको रिक्वायरमेंट था, क्लियर है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया, ये चीज तो मुझे डिस्टेंस दिया नहीं था, लेकिन जो भी दिया है ये आपका बन जाएगा 6 का, करेक्ट है, ये आपका बन जाएगा 4.5 का, और ये तो दिया हुआ था, तो 1, 2 and 3 साइड्स, एंड दिस वन एंड दिस वन इज डायगोनल, तो इस प्रकार से आपने W, X, Y, Z जो क्वाड्रिलेटरल था वो आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया बाय गिविंग 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स, क्लियर है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक भी आपको बहुत इजीली समझ में आ रहेगा। तो आज हमने दोस्तों दो मेथड पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने का। पहला मेथड था कि अगर चारों साइड और एक डायगोनल दिया रहेगा तो इस प्रकार हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और दूसरा जो मेथड था इसमें हमने देखा कि कैसे 3 साइड दिए रहेंगे और 2 डायगोनल दिया रहेगा तो किस प्रकार हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्लियर है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक था, आज का जो लेक्चर वीडियो था, आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया रहेगा। तो अगला जो लेक्चर नंबर 2 हम लेके आएंगे उसमें और 2 मेथड पढ़ने वाले, मेथड नंबर 3 एंड मेथड नंबर 4, उसमें आपको बता देंगे, उसके बाद सीधा सीधा हम लोग जाएंगे हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ, जिसमें हम लोग एग्जांपल्स को, आज भी एग्जांपल्स पढ़ा लेकिन और अच्छे से डिटेल में एग्जांपल्स जो क्वेश्चंस जो दिए रहेंगे प्रैक्टिस सेट में उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज यहीं पे स्टॉप करता हूं, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर वीडियो, एक नया चैप्टर आपके लिए स्टार्ट किया है, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।